Hello friends, welcome back to my channel Nanny Classes, and today we are going to do worksheet of English grammar. आज हम English grammar की worksheet करने वाले हैं. I hope आपको ये video पसंद आएगी. Let's start our today's video, language skills. Our first question is put and before the names of these things. हमें and use करना है इन things से पहले. And कहाँ पे यूज होता है? एन यूज होता है ऐसे वर्ड से पहले जिनमें की वावल साउंड आती है, उसमें हम एन का यूज करते हैं. अ और एन एंड दी ये क्या है? आर्टिकल्स हैं. ओके, तो हमें यहाँ पे एन का यूज करना है. एन का यूज होता है ऐसे वर्ड्स से पहले जिनमें की वावल साउंड होती है. एक्टर, कौन सी साउंड आ रही है? वावल साउंड आ रही है. सो वी विल राइट एंड एक्टर. ओके, नेक्स्ट इज एन एम्बुलेंस. इनमें सब में क्या आ रही है? वावल साउंड आ रही है. एन ईमेल, एन एग्जाम्पल, एन इंजेक्शन, एन इंसेक्ट, एन ओशियन, एन ऑयल वेल, एन अंकल, एन अंडरपास. तो सब में क्या आ रही है? वावल साउंड आ रही है. तो एन का यूज कहाँ पे होता है? जिन वर्ड से पहले वावल साउंड आती है और जो सिंगुलर होते हैं. ओके, प्लूरल के साथ में और एन का यूज नहीं होता है. अ और एन आर्टिकल का यूज ओनली सिंगल पर्सन या सिंगल थिंग के साथ में होता है. तो यहाँ पे हमने सीखा यूज ऑफ एन आर्टिकल्स. हम अपनी पिछली वीडियोज में भी डिस्कस कर चुके हैं. तो अ का यूज कहाँ पे होता है? अ का यूज होता है जो वर्ड्स कॉन्सोनेंट साउंड, जिसमें की कॉन्सोनेंट साउंड आती है उसमें अ का यूज होता है, एंड जिनमें वावल साउंड आती है उसमें एन का यूज होता है. और नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट अ और एन टू फिनिश दिस सेंटेंसेस. इन सेंटेंसेस को कंप्लीट करने के लिए हमें अ और एन का यूज करना है. एन का यूज वहां पे करेंगे जहां पे की वावल साउंड आएगी, और अ में कॉन्सोनेंट साउंड जहां पे होगी वहां पे हम अ का यूज करेंगे. देयर इज एप्पल, कौन सी साउंड आ रही है? वावल. सो देयर इज एन एप्पल एंड एन ऑरेंज ऑन द फेबल. नेक्स्ट इज ही हैड एन एक्सीडेंट दिस मॉर्निंग. उसका इस मॉर्निंग एक एक्सीडेंट हो गया. यहाँ पे कौन सी साउंड आ रही है? वावल साउंड आ रही है, दैट्स वाई एन का यूज हुआ है. लेट मी एक्सप्लेन दिस विद एन एग्जाम्पल. यहाँ पे भी वावल साउंड आ रही है. वी आर हैविंग एन एग्जीबिशन इन स्कूल टूडे. हम स्कूल में आज एक एग्जीबिशन करने वाले हैं. वावल साउंड आ रही है. आई सॉ एन एम्बुलेंस विद अ सिरिंज. तो यहाँ पे एम्बुलेंस में वावल साउंड है, डेट्स वाई हमने एन फिल किया. एंड सिरिंज में क्या है? कॉन्सोनेंट साउंड, डेट्स वाई अ. ही इज सिटिंग इन एन आर्म चेयर विद अ बुक. बुक में कौन सी साउंड आ रही है? कॉन्सोनेंट, तो अ का यूज होगा. इट वॉज एन अर्जेंट मैसेज. ये एक अर्जेंट मैसेज था. अर्जेंट में वावल साउंड है, डेट्स वाई एन यूज होगा. अ मैन, मैन में कॉन्सोनेंट साउंड आ रही है तो अ यूज होगा. अ मैन लिव्ड अलोन एन आईलैंड. तो यहाँ पे हमने सीखा यूज ऑफ अ और एन आर्टिकल. ओके, नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्पेल द वर्ड्स करेक्टली. तो यहाँ पे कुछ वर्ड्स लिखे हैं, इनकी स्पेलिंग रॉन्ग है, हमें करेक्ट स्पेलिंग लिखनी है. ओके, तो ये अल्फाबेट है लेकिन इसकी स्पेलिंग रॉन्ग है. तो अल्फाबेट की स्पेलिंग क्या होती है? ए एल पी एच ए बी ई टी, अल्फाबेट. तो ये क्या है? इसकी करेक्ट स्पेलिंग. आंसर की स्पेलिंग क्या होती है? ए एन एस डब्ल्यू ई आर. आंसर की ये स्पेलिंग क्या है? करेक्ट. ऑफुल, A W F U L, इट इज करेक्ट स्पेलिंग. बेबी, B A B Y, बेबी. बेकरी की करेक्ट स्पेलिंग है B A K E R Y, बेकरी. चेरी की है C H E R Y, चेरी. एंड शार्प की स्पेलिंग S H A R P. फिंगर F I N G E R. तो ये करेक्ट स्पेलिंग से है. नाउ सी आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. द बर्ड इज फ्लाइंग, द चेयर इज ब्रोकन, शीला इज माई फ्रेंड. बर्ड क्या कर रही है? उड़ रही है. चेयर टूट गई है एंड शीला मेरी फ्रेंड है. तो बर्ड क्या है? यहाँ पर एक एनिमल का नेम है.
नेम ऑफ एन एनिमल. चेयर इज द नेम ऑफ अ थिंग. चेयर क्या है? एक थिंग का नेम है. शीला इज द नेम ऑफ अ पर्सन. शीला एक पर्सन का नाम है. एंड फ्रेंड इज अ पर्सन. फ्रेंड भी क्या है? एक पर्सन है. तो ये सारे क्या है? नेमिंग वर्ड्स हैं. क्या है? नेमिंग वर्ड्स है, जिन्हें हम नाउन भी बोलते हैं. अंडरस्टूड? नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और अ थिंग. ओके, तो ये सारे नाउन है. नाउ सी द क्वेश्चन. अंडरलाइन द नेमिंग वर्ड्स इन दीज सेंटेंसेज. इन सेंटेंसेज में हमें नेमिंग वर्ड्स अंडरलाइन करने हैं. द कंप्यूटर इज नॉट वर्किंग. कंप्यूटर काम नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर कंप्यूटर एक थिंग का नेम है, तो हम इसे अंडरलाइन करेंगे. ये क्या है? एक नेमिंग वर्ड. आई मिस द स्कूल बस. मैंने स्कूल बस मिस कर दी, तो यहाँ पे ये बस क्या है? नेम ऑफ अ थिंग. तो ये क्या है? नाउन है. ओके, स्कूल बस क्या है? नाउन है. प्लीज गिव मी चिप्स. मुझे चिप्स दो. तो यहाँ पे चिप्स थिंग है, नाउन है. मम इज नॉट स्लीपिंग. तो हियर मम इज नेम ऑफ अ पर्सन, सो इट इज नाउन, नेमिंग वर्ड. रॉबिन हैज टेकन द डॉग फॉर अ वॉक. रॉबिन डॉग को एक वॉक के लिए ले गया है. तो हियर रॉबिन क्या है? नेम ऑफ अ पर्सन. एंड डॉग भी क्या है? नेम ऑफ एन एनिमल. सो ये क्या है? नेमिंग वर्ड्स. दिस इज माई काइट. ये मेरी काइट है. काइट यहाँ पे थिंग है, सो इट इज नेमिंग वर्ड. पुट सम वॉटर इन द फ्रिज. फ्रिज में थोड़ा वॉटर रखो. तो यहाँ पे फ्रिज क्या है? नेमिंग वर्ड है, थिंग है. तो ये क्या है? नाउन. द बेड इज सॉफ्ट. बेड कैसा है? सॉफ्ट है. तो यहाँ पे बेड क्या है? नेमिंग वर्ड, सो इट इज नाउन. पुट सम वॉटर. यहाँ पे वॉटर भी क्या है? नेमिंग वर्ड है, सो इट इज ऑल्सो नाउन. ओके,